हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश जो 1320 से लेकर और 1414 ईस्वी तक रहा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इसमें प्रथम शासक था, 320 से 325 इसका टाइम पीरियड। और मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बक्र, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह अंतिम इसके प्रमुख शासक रहे हैं। तुगलक वंश में जो आपके पढ़ने लायक जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं, उसमें तुगलक वंश के संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और इसमें इस इन्होंने जो कार्य किए वो कृषि की दशा को सुधारने के लिए प्रमुख कार्य किए। कुओं और नहरों का निर्माण कराया, और कुओं और नहरों का निर्माण कराने वाला अर्थात कृषि की दशा को सुधारने वाला संभवतः ये पहला जो है वो शासक रहा होगा, सुल्तान रहा होगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश के जो सुल्तान थे, दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान था। उसने हालांकि उसने शासन चलाने की विभिन्न नीतियाँ अपनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि काफ़ी असफल रही, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख नीतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पहली जो नीति है वो दोआब में कर वृद्धि। ये कर वृद्धि जब इसने करी तो इसने इस बात का पता ही लगाया, दूरदर्शिता की बहुत कमी थी इसके अंदर, इसने इस बात का पता ही नहीं लगाया कि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल पर सूखा पड़ जाने के कारण, उस वर्ष वर्षा न होने के कारण कृषकों के पास ऐसे ही अनाज की कमी थी, लेकिन इसने इस बात का पता नहीं किया और जो कल में वृद्धि करी, जिससे जो है लोगों को बहुत कष्ट हुआ और लोग इसके विरोध में हो गए। उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन किया, जो इसका एक प्रमुख निर्णय था, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद को जब दिल्ली से स्थानांतरित किया गया, तब भी इसने ये बात नहीं सोची और इसने एक ही रात में ये आदेश दे दिया कि दिल्ली के सभी लोग दौलताबाद की ओर प्रस्थान करें। बहुत सारे लोग पैदल इतनी दूर, पहली बात कुछ जाना नहीं चाहते थे, जो उनको पकड़ पकड़ के ले जाया गया, ज़बरदस्ती ले जाया गया। और वहाँ पर रास्ते में बहुत सारे लोगों की इसके कारण मृत्यु भी हो गई, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी लोगों को झेलनी पड़ी, जिसके कारण लोगों को बहुत, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड जगह नहीं थी, पानी की कमी वहाँ पर इतनी ज़्यादा हुई कि लोग वहाँ पहुँचने के बाद भी व्यवस्थित, और लोग जो दिल्ली पर रहते थे वो अपने घरों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। तो इसके कारण भी इसके विरोध में जो है बहुत सारी चीज़ें आई, जिससे ये बहुत असफल शासक जो है वो साबित हुआ। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन कराया, ये भी जो है वो 1328 ईस्वी में, ये भी उसका एक गलत निर्णय था। तांबे के सिक्कों का प्रचलन इसने कराया बिना ये सोचे समझे कि लोग इसको, उसमें जो है मुद्रा को, ऐसा नहीं था कि कोई भी उनको टंकड़ के ऊपर इसका शासन था नहीं, मतलब इसका कंट्रोल था नहीं, तो कोई भी इस तांबे के सिक्कों को गलवा कर उसको धातु में परिवर्तित कर लेता था उसको, तो इससे सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में भी उसको असफलता का सामना करना पड़ा। उसके बाद इसने जो अभियान चलाया खुरासान और कराचिल के युद्ध किया, उसमें भी इसको धार्मिक कट्टरता का सामना, जैसे स्वयं धार्मिक कट्टर था, और इस तरह के कराचिल अभियान, खुरासा अभियान भी इसके युद्ध के भी सफल नहीं हुए। तो इसके जो कुछ असफल अभियान थे, तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक बहुत कट्टर शासक भी रहा, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी वो हमेशा असफल रही। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो जो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इसी के काल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसने, बदायूं ने लिखा है, बदायूनी जो इतिहासकार थे उन्होंने लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो अर्थात इसकी जितनी भी निर्णय लिए वो उसके जीवन काल में इसके लिए हमेशा गलत साबित हुए। तो इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में भी अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि अदूरदर्शी था ये,
इसने प्रजा के समीप जाकर उनकी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि जो निर्णय वो कर रहा है वो कितने सफल हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक है, 1351 से 1388 इनका टाइम पीरियड है, और हालांकि इसने जनहितकारी कार्य किए, लेकिन और इसके 4 कर बहुत पूछे जाते हैं कि 4 करों को, जो कि पहले बहुत सारे कर लगे हुए थे, लेकिन इसने अपने समय में जो है 4 कर लगाए, खुम्स, जजिया, जकात और खराज। और ये खराज नहीं, खराज भी बोला जाता है। तो ये जो 4 कर लगाए ये सभी से वसूल किए जाते थे, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था ब्राह्मणों पर जिसने जजिया कर लगाया था। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और अशोक स्तंभ को लाकर मेरठ से और खिजरबाद से, यानी कि टोपरा नामक स्थान से लाकर दिल्ली में स्थापित भी कराया। उड़ीसा के एक शासक भानुदेव की हत्या कराई और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने का। तो इसको एक कट्टर शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, कट्टर मुस्लिम, लेकिन कुछ जनहितकारी कार्य भी इसने किए। नगर को माना जाता है कि ज्वाला देवी मंदिर को भी ध्वस्त करके इसने बहुत सारे ग्रंथों को लूटा था, और उसका फारसी में अनुवाद भी कराया था, जिसका नाम दिया था उसने दलायत फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही स्वयं लिखी थी, और ये जो है वो तुगलक वंश का ऐसा शासक था जिसने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे लोगों में इसकी प्रसिद्धि रही। उसके बाद अंतिम शासक इसका महमूद शाह था, और नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही तैमूरलंग भारत आया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो उसके बाद इस वंश की समाप्ति हो गई। फिर आता है सैयद वंश, 1414 से लेकर 1450-51 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। खिजर का इस वंश का संस्थापक रहा, परंतु उसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, उसने रैयत आला नाम की उपाधि को ही धारण किया। और खिजरका की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। अंतिम मुबारक शाह के दरबार में सरहिंदी और तारीख़ मुबारक शाही जिसने लिखी थी, सरहिंदी नाम का एक लेखक था जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी, और यमुना तट के पास उसने मुबारकाबाद नाम से एक शहर बसाया था। सैयद वंश में इससे अधिक कुछ भी जानने का नहीं है। फिर लोधी वंश आया थोड़ी टाइम पीरियड के लिए। बहलोल लोधी इसका संस्थापक, 51 से 26 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और उसके बाद जो इसका सिकंदर लोधी ने शासन किया, और अब अंतिम शासक था इसका इब्राहिम लोधी, जिस इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा कर पानीपत का युद्ध लड़ा, और 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध, तो जिसको लड़ने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो कुछ ऐसे इसमें भी जो लोधी वंश के प्रमुख तथ्य हैं, उसमें कौन कौन सी उपाधियां धारण करी। सिकंदर शाह लोधी ने माप का एक पैमाना भी दिया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी, और बाकी सिकंदर लोधी ने भी ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़वा कर कहा था तौल के लिए उसको यूज़ किया था। बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं जो लिखी गई हैं। जो प्रमुख बात है इस वंश में, उसमें जो सबसे प्रमुख है इस वंश का, याद रखने लायक लोधी वंश का, वो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया था, और इसी के साथ सल्तनत काल का अंत हो गया था। ये कुछ इमारतें दी हैं जो कभी कभी आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, कुव्वतुल इस्लाम, ये सल्तनत काल की कुछ इमारतें हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये इसीलिए हमने सिलेबस में आपके आपके नोट्स की तरह आपको इसमें दे दिए। तो ये आपका सल्तनत काल ख़त्म हो गया है। सामाजिक और दशा में भी मुस्लिम समाज का रहन सहन इसमें अच्छा था, और हिंदू समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की दशा में भी कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं था, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। हिंदू और मुस्लिम इस काल में वेशभूषा में अंतर था दोनों की। मुसलमानों की जो पोशाकें होती थी वो सुंदर अच्छे कपड़ों की होती थी। स्त्रियां भी आभूषण प्रिय थी। काजल और सुरमे को बहुत अधिक महत्ता दी गई थी। मेहंदी लगाने का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया सल्तनत काल। और ये मेन इसमें ये सारी चीज़ें जो
पूछी जाती हैं स्थापत्य कला से रिलेटेड, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ, वो मैंने इसमें दे दिया है। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे।